तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास एक ट्रक लुक में पेंसिल शार्पनर, ये काफी अमेजिंग और काफी बड़ा शार्पनर है और आपने ऐसा शार्पनर कभी भी नहीं देखा होगा। तो चलो फटाफट निकाल दो बॉक्स से, फिर दिखाता हूँ आपको शार्पनर। आप फिर मुझे कमेंट करके बताना आपको ये पेंसिल शार्पनर कैसा लगा ट्रक वाला। तो निकाल लिया बॉक्स से, तो ये देखो दोस्तों कितना खतरनाक और कितना अमेजिंग लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल ट्रक लुक में दोस्तों पेंसिल शार्पनर। अच्छे से निकाल के दिखाता हूँ, तो ये देखो दोस्तों कितना खतरनाक लग रहा है ना दोस्तों। और नीचे गए हमें मिलते हैं और व्हील दोस्तों रोटेट भी होते हैं और जिससे गाइस हम अपना टाइम पास भी कर सकते हैं। और यहां हम पेंसिल को डालेंगे दोस्तों, फिर पेंसिल को शार्प करेंगे और जितना भी कूड़ा आएगा वो सारा इसके ट्रे में आ जाएगा। देख सकते हो इसका ट्रे कितना बड़ा है, काफी बड़ा ट्रे भी मिल जाता है दोस्तों, काफी अमेजिंग शार्पनर है दोस्तों। तो इसमें बाद में हम पेंसिल को शार्प करके देखेंगे इसमें हमारा पेंसिल कैसे शार्प होता है। चलो साइड रखते और देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक 401 का पर्स, ये देख सकते हो कितना प्यारा पर्स, कितना अमेजिंग है। और इसका देख सकते हो हैंडल कितना पिटी हैंडल है दोस्तों, और यहां हमें पासवर्ड डालना पड़ेगा जब जाके दोस्तों ये पर्स ओपन होगा। पासवर्ड क्या है, 245, तो 2 को हम नीचे कर देंगे दोस्तों और 4 को भी नीचे कर देंगे, 5 को भी नीचे कर देंगे दोस्तों, फिर बटन दबाएंगे बीच वाले और फिर ये लॉक ओपन हो जाएगा। लॉक ओपन होते ही देखो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ये देखो ये तो है एक डायरी दोस्तों, ये तो काफी अच्छी डायरी और इसमें पेजेस भी देख सकते हो काफी सारे पेजेस भी मिल जाते हैं, अलग अलग तरह के दोस्तों पेजेस मिल जाते हैं दोस्तों। और ऐसा लग रहा था एक पर्स है बट दोस्तों पर्स नहीं है, पर्स लुक में मिल जाता हमें डायरी। तो आपको ये फ्रोजन की डायरी कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक प्रिंसेस का पेंसिल पाउच, ये भी काफी सुंदर पेंसिल पाउच है, काफी प्यारा है। और इसमें देखो दोस्तों कितनी जिप है, 1 2 3 3 तो जिप है, उससे भी ज्यादा स्पेस भी है दोस्तों इस पेंसिल पाउच में। तो चलो फ्रंट जिप को ओपन किया, फ्रंट जिप को ओपन करते हैं, यहाँ देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। नेक्स्ट जिप को ओपन करते हैं, नेक्स्ट जिप को ओपन किया तो यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस है, इसमें भी दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। यहाँ देख सकते हो टेप मिलती है, टेप को हटाते तो यहाँ देखो दोस्तों हमें क्या मिला, 1 2 3 3 पेंसिल लॉक मिला। साथ ही दोस्तों इसमें हमें मिलता है एक छोटा सा पॉकेट जिसमें गाइस हम अपना कुछ भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। चलो मेन जिप को ओपन करते हैं, मेन जिप को ओपन किया तो यहाँ देखो दोस्तों इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। तो आपको प्रिंसेस का पेंसिल पाउच कैसा लगा दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो साइड रखते और देखते दोस्तों हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास एक डोरेमोन की पेंसिल, ये देख सकते हो पेंसिल, और दोस्तों पेंसिल नहीं है ये है एक पेंसिल पाउच, काफी सुंदर काफी प्यारी सी। इसमें देख सकते हो जिप मिलते हैं, जिप को ओपन करते हैं, उससे पहले देखो दोस्तों ऊपर हमें एक हैंडल मिलता है जिससे काफी इजी से कैरी करके चल सकते हैं दोस्तों। तो इसे ओपन करा तो यहां देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस और काफी गहरा स्पेस है, और इसमें दोस्तों हमारा काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा। इसके ऊपर जो डोरेमोन की फोटो छपी है ना वो काफी अट्रैक्टिव बना रहा है इस पेंसिल पाउच को, क्वालिटी काफी जबरदस्त है इस पेंसिल पाउच की। चलो साइड रखते हैं और देखते हैं दोस्तों हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास एक स्माइली की पेंसिल बॉक्स दोस्तों, ये भी काफी सुंदर पेंसिल बॉक्स है, काफी प्यारी, और ऐसी पेंसिल बॉक्स आपने कभी भी नहीं देखी होगी। क्यों, तो ये देख सकते हो इसके ऊपर पूरे कपड़े की कोटिंग हो रखी है, देख सकते हो ऐसी पेंसिल बॉक्स दोस्तों मैंने आज तक नहीं देखी थी जिसपे कपड़े की कोटिंग हो रखी हो। और यहां देख सकते हो हमें एक बटन मिलता है, इस बटन को दबाते ही शार्पनर ओपन हो जाता है, एक छोटा शार्पनर एक बड़ा शार्पनर मिलता है। यहाँ देख सकते हो छोटा सा कंपार्टमेंट मिलता है, इसमें भी काफी अच्छा स्पेस है, और छोटे से कंपार्टमेंट में दोस्तों हमें 2 मैग्नेट मिल जाते हैं जिससे ढक्कन काफी इजी से और अच्छे से चिपक जाता है दोस्तों। चलो मेन ढक्कन को ओपन करते हैं, मेन ढक्कन को ओपन किया तो यहाँ देख सकते हो एक कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में 2 सेक्शन है, और यहाँ देख सकते हो हमें एक काफी अच्छा और काफी बड़ा पेंसिल लॉक भी मिलता है, ये देख सकते हो काफी जबरदस्त पेंसिल लॉक मिल गया। यहाँ देख सकते हो एक पॉकेट है, और ये काफी बड़ा पॉकेट है जिसमें गाइस हम अपना क्लास शेड्यूल लिख के रख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं, क्लास भी लिख सकते हैं, और ये देख सकते हो छोटा सा सेक्शन और मिलता है जिसमें दोस्तों हम अपना छोटा छोटा स्टेशनरी आइटम रख सकते हैं। और यहाँ पे भी दोस्तों 2 मैग्नेट मिल जाती है, इसे बंद करते हैं, पीछे वाले ढक्कन को ओपन करते हैं तो पीछे वाले ढक्कन को भी ओपन किया तो यहाँ पे भी काफी अच्छा स्पेस है, काफी सारा स्टेशनरी आइटम आ जाएगा दोस्तों। तो स्माइल की पेंसिल बॉक्स आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था आज 4-5 चीज, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी दोस्तों, ये ट्रक अच्छा लगा या स्माइल वाली ज्योमेट्री बॉक्स अच्छी लगी, या डोरेमोन का पेंसिल पाउच ज्यादा अच्छा लगा, या फिर आपको प्रिंसेस का पेंसिल पाउच ज्यादा अच्छा लगा, या फिर आपको ये फ्रोजन का पर्स ज्यादा अच्छा लगा यानी डायरी ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कर देना वीडियो को लाइक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो साथ, अच्छे कलेक्शन के साथ, अच्छे अनबॉक्सिंग के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।